मराठी में पहली जॉम्बी कॉमेडी बन रही है, एक अलग कुछ करने की कोशिश हमने की है और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग बना है। 26 तारीख से थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है, तो जॉनर के बारे में, फिल्म के बारे में ज़्यादा कुछ रिवील नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि जब देखेंगे तभी शायद उसका ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मैं बस सबको कहूँगी कि 26 से थिएटर्स में रिलीज़ हो रही है फिल्म, तो प्लीज़ जाके थिएटर में देखिए। काफ़ी अच्छा रहा, एक तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे मराठी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि ये पहली बार मराठी में फिल्म बन रही है, जॉम्बी फिल्म, और ये जॉमकॉम भी पहली बार ही बन रहा है। तो ये इतनी बड़ी फिल्म बनना, क्योंकि पूरे भारत में अगर देखा जाए तो इससे पहले सिर्फ दो ही फिल्में बन चुकी हैं, एक गो गो गॉन और एक साउथ से एक फिल्म बनी थी, तो उसके बाद हमारे तरफ से एक फिल्म बन रही है, और वो भी मतलब जिस तरह से बनी है, मतलब हम लोगों ने तो फिल्म देखी ही है, लेकिन अब तक के जैसे हमें टीज़र को, ट्रेलर को जो रिस्पॉन्स मिला है, गाने को रिस्पॉन्स मिला है, तो लोगों को काफ़ी बिलीवेबल लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसकी कॉमेडी, उसका जॉम्बीज जो है, क्योंकि जॉम्बी ये अपने यहाँ का क्या बोलेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ का कॉन्सेप्ट नहीं है, बाहर का कॉन्सेप्ट है, तो उसे यहाँ का करना, अपनी स्क्रिप्ट में उसे अच्छे से अडाप्ट करना, ये सबसे मुश्किल बात थी, लेकिन हमारे क्रिएटर्स ने उसे काफ़ी अच्छे से हमारी स्क्रिप्ट में उसको काफ़ी अच्छे से इन्वॉल्व करके लिया है। तो अभी देखते हैं लोगों का रिस्पांस फिल्म को कैसे मिलता है, क्योंकि अब तक तो अच्छा ही रिस्पांस मिल रहा है, कुछ देखने को मिलेगा। मतलब जैसे आप देख रहे हो कि एक्शन तो है ही, क्योंकि ये जॉम्बी फिल्म है, और कॉमेडी भी है, क्योंकि ये एक जॉमकॉम है, जॉम्बी कॉमेडी फिल्म है, और उसके अलावा कुछ सोशल इश्यूज भी है जिसके ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने मतलब उसे कनेक्ट करने की कोशिश की है, कि ये जॉम्बीज कैसे बने, फिर उसके ऊपर हम लोग कैसे उनसे फाइट कर रहे हैं, तो काफ़ी एंटरटेनमेंट के सारे वैल्यूज है, और क्या फुल पैकेज जैसे इन्होंने कहा। इस सिचुएशन में काफ़ी अलग अलग बैकग्राउंड से आए हुए अलग अलग कैरेक्टर्स एक साथ कैसे आते हैं और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, यही बेसिकली फिल्म है। तो सब कुछ है उसमें, आप सबके लिए बहुत एंटरटेनमेंट है, और मैंने जैसे कहा फिल्म के बारे में, कैरेक्टर्स के बारे में ज़्यादा अभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि उसका मज़ा तभी है जब आप फिल्म जाके देखेंगे। अभी फ़िलहाल थिएटर्स में कोई नई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई है। जॉम्बिवली ऐसी एक फिल्म है जो मुझे लगता है सब एज ग्रुप के, सब तरह के लोगों को पसंद आएगी। हमारे टीज़र ट्रेलर को या गाने को बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, तो बस सबको यही कहना चाहूँगी कि अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ ये अगर आप थिएटर में जाके फिल्म देखेंगे तो एंटरटेनमेंट श्योर शॉट मिलेगा। और अभी का टाइम ऐसा है कि थोड़ा टेंशन है, कुछ बीच में केसेस बढ़ रहे थे, तो मूड सबका थोड़ा अजीब था, तो उसमें से बाहर निकलने के लिए ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो प्लीज़ 26 जनवरी से थिएटर्स में जॉम्बिवली रिलीज़ हो रही है, तो जाइए और प्लीज़ देखिए। तो सारी बातें तो इन्होंने बता दी लेकिन वही मैं कहूँगा कि एक अच्छी कोशिश की हम लोगों ने, अच्छी फिल्म बनी है, एक अलग कोशिश है, क्योंकि मराठी में पहली बार हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो आपके सपोर्ट की हमें काफ़ी ज़रूरत है। तो अब थिएटर में आ चुकी है फिल्म, तो जाइए, और एक साथ ये फिल्म देखने का ही मज़ा ही अलग है, तो एक साथ देखिए, दोस्तों के साथ देखिए, फैमिली के साथ देखिए, और हमें ज़रूर बताइए कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू सो मच।